लाखों किसान जो है अपना घर बार परिवार खेत सब छोड़ करके दिल्ली के चारों तरफ बॉर्डर के ऊपर आकर के बैठ गया। 13 महीने तक लड़ाई लड़ी और उस 13 महीने की लड़ाई में सबसे बड़ा योगदान अगर किसी का था हरियाणा प्रदेश का था, खास करके सोनीपत, रोहतक, झज्जर, पलवल, फरीदाबाद, गुड़गांव ये जगह चारों तरफ लगते हैं दिल्ली के, यहाँ के लोगों ने बहुत बड़ी मदद करी। किसी गांव से दूध जा रहा था, किसी गांव से मछली जा रही थी, कोई सब्जी लेके जा रहा था, कोई अनाज लेके जा रहा था, हर जरूरत के मुताबिक हर चीज आप लोग जो है अपने अपने गांव से इकट्ठा करके आंदोलन न्याय बार के जो लोग थे, चाहे वो पंजाब के थे, यूपी के थे, राजस्थान के थे, उन किसानों की आपने बहुत मदद करी। अगर यहाँ से मदद मिली उनको तो फिर उनका भी इस बात पर सिर जम गया कभी आंदोलन को कितना भी लंबा कराया जा सकता है, कितनी लंबी लड़ाई लड़ी जा सकती है। ये मदद करते थे नहीं करते थे आपको ये मदद आपने की तभी वो आंदोलन लंबा चला। देश के प्रधानमंत्री ने उस आंदोलन को खत्म करने के लिए कई योजनाएं बनाई, कई तरह तरह के आरोप लगाए। यहां तक भी कहता था ये तो खालिस्तानियों का आंदोलन, कभी कहता था अलगाववादियों का, कभी कहता था ये तो विजय सबका स्पॉन्सर्ड है, इसमें तो बारी ताकतों का हाथ है। और आखिर में ये कह सकते भी आंदोलन को खत्म करने का एक प्रयास करा था जिसके लिए का अपमान कर दिया। 26 जनवरी को ये बात कही थी, नहीं कही, हमें आपस में लड़ाना चाहता था, लेकिन जितनी दफा उसने ये प्रयास किया प्रधानमंत्री ने आंदोलन उतना ही मजबूत हो गया। आखिर 13 महीने के बाद देश के प्रधानमंत्री को मजबूर होकर के देश के किसान से माफी भी मांगनी पड़ी और जो तीन काले कानून बनाए वो भी वापिस लेने पड़े। ये भी कहना पड़ा कि एमएसपी का कानून बना दिया, एमएसपी का कानून अब तक नहीं बना। अगर एमएसपी का कानून बन जाता तो हमें हमारी फसल के दाम अच्छे मिल सकते, पेट्रोल डीजल बढ़ा दिया, खाद और बीज के दाम बढ़ा दिए, कीड़े मार दवाइयां महंगी कर दी, गैस महंगी कर दी। हम बाजार से कोई सामान खरीद के लेके आते हैं उसकी कीमत ज्यादा है, हमारी फसल के दाम कम है, हमारे अगर कोई प्राकृतिक नुकसान भी हो जाए इसलिए सरकार हमें मुआवजा देने के बजाय किसी ना किसी बहाने से उसको लटकाना चाहती। अब की बार किसान की फसल बारिश से ओला वृष्टि से खराब हुई, नई विधेयक की लोग तैयारी कर रहे हैं, अब तक गिरदावरिया नहीं हुई, किसी एक भी किसान को एक नया पैसा मुआवजे जरूर नहीं किया। कोई मुआवजा आया क्या तुम्हारे? कोई मुआवजा नहीं मिला। 2020 से लेकर के अब तक एक नया पैसा मुआवजे के रूप में सरकार की तरफ से खराब हुई फसल का नहीं मिला। किसान कैसे कमजोर हो इसके लिए रोज नया तरीका ढूंढते हैं। जब हमें विधायक के रूप में डीएपी खाद चाहिए तो डीएपी नहीं मिलता, जो यूरिया चाहिए यूरिया नहीं मिलती, लाइन में लगना पड़ता है, नहीं लगना पड़ता है, हर वक्त परेशान होते हैं। नए नए कार्ड बना दिए, आज सारा दिन जो है लोग सत्रों के चक्कर काटते हैं कार्ड बनवाने के। आज जो बुढ़ापा पेंशन चौधरी देवीलाल ने आपको सोच से शुरू करके दी थी, उस बुढ़ापा पेंशन को बढ़ाना चाहिए। इन्होंने बढ़ाने की बजाय परिवार पहचान पत्र बना करके पेंशन बुजुर्गों की काटनी शुरू कर दी। ये कहते हैं कि इनकम 1,80,000 से ज्यादा होगी उसको पेंशन नहीं देगी, एक नया फरमान और कर दिया कि जिसके घर में 2 पहिया वाहन होगा, जिसके घर में मोटरसाइकिल स्कूटर होगा उसको भी पेंशन नहीं देगा। इसका मतलब तो ये है कि आने वाले समय में किसी को भी पेंशन नहीं मिलेगी। मोटरसाइकिल स्कूटर तो सबके घर में खड़े हैं नहीं खड़े हैं, तो फिर पेंशन कैसे मिलेगी? इन्होंने पेंशन काट दी,
और पेंशन के साथ साथ गरीब आदमी का पीड़ा कार्ड काट दिया। 2 लाख से ज्यादा पीड़ा कार्ड प्रदेश में काट दिए। हमारे मुख्यमंत्री से 2-3 दिन से एक डिबेट आ रही है, जिसके टेलीफोन से देखी भी होगी आप। एक पत्रकार मुख्यमंत्री से पूछ रही है कि बुढ़ापा पेंशन आपकी सहयोगी पार्टी में लेकिन 5,100 रुपये से आप 5,100 करोगे कि नहीं करोगे। मुख्यमंत्री का जवाब सुना था क्या? क्या था मुख्यमंत्री कह रहा था? हम तो 3,000 करेंगे, उससे एक नया पैसा ज्यादा नहीं करेंगे। जिनको आप हमारा सहयोगी कहते हो वो हमारे सहयोगी नहीं है, वो तो हमारे गठबंधन में है। ये फैसला बीजेपी की सरकार है, हम लेंगे ना कि वो लेंगे। और उनका हमारे ऊपर कोई दबाव नहीं है। जो लोग ये कहते थे हम इस बीजेपी को युवराज पार करेंगे, नारा था 75 पार का, बीजेपी तो 75 पार करती थी ना। अरे बीजेपी वाले क्या कहते थे? युवना पार कर देंगे, कहते थे कि नहीं कहते? अब ये युवना पार वाले कहां बैठे हैं? बीजेपी की गोद में बैठे। अगर ये समर्थन नहीं देते तो बीजेपी की सरकार नहीं बनती, क्या बढ़ जाते? बीजेपी की सरकार बनाने में अगर सबसे बड़ा हाथ किसी का है तो बीजेपी का है। और जो इनको कहते थे जमना पार करेंगे, आज केवल अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए इन्होंने बीजेपी को समर्थन दिया और दोनों हाथों से आज प्रदेश को लूटने में लगे। लूटने में नहीं लूटते। आज तो छोटे से बालक से पूछते हो कि सबसे बड़ा लुटेरा है, किसका नाम लिया है? इसका सवाल बताओ सुने का नाम ले। हमसे गलती से कभी रुकी मारी तो फिर तुम क्या करोगे? फिर वोट मांगने आ गया फिर क्या करोगे? जिन लोगों पे भरोसा किया उन्होंने तुम्हारे साथ सजा किया, बेईमानी की, विश्वास बात किया। पेंशन काटी, जहां मुख्यमंत्री ने साफ कह दिया भी इसको जो है हम इनकी कोई बात नहीं मानेंगे। अगर ये लोग सरकार से दबे हुए ना होते तो फिर आज सरकार गिरा दे, खेल भी गिरा दे। मुख्यमंत्री रुपये धारा की तरह वो करते हरियर के महाराज गठबंधन है, हम नहीं छोड़ते थे। इनसे पता है छोड़ते सीधे ईडी वाले लेने नहीं छोड़ दिए, जेल में ठोकर ठोकर ये भी ठोकर नहीं देंगे। फायदे तैयार है। आज तो सरकार ने एक और ऐसा फरमान जारी कर दिया जिससे फिर लोग दुखी हो गए। अब कहते हैं आधार कार्ड को पैन कार्ड के साथ जोड़, कहते हैं आधार कार्ड को पैन कार्ड के साथ जोड़। आधार कार्ड को पैन कार्ड के साथ जुड़वाने जाते हो तो 1100 रुपए लगते हैं। एक घर में अगर 10 नंबर है, 10 आधार कार्ड है तो 11,000 रुपए लग गए कि नहीं लगे? बच्चे हैं नहीं बच्चे क्या रहे? किस बात की लगती है सरकार हमारी? ऐसा सरकार ने हमें क्या दे दिया कि इसके बदले में 11,000 रुपए के घर से लिए? ये केवल हमें कमजोर करना चाहते हैं, हमें लूटना चाहते हैं। आज इसलिए चौटाला साल ने परिवर्तन यात्रा शुरू की। अब तक 1,250 किलोमीटर की परिवर्तन यात्रा हुई है। हर रोज जो है हम 10 गांव में 12 गांव में लोगों से मिलते जाते हैं। हर गांव में लोगों से जब मिलता हूं तो भाषण नहीं देता, खुल के पूछता हूं कि सरकार बनने के बाद फायदा है, उसके बनाने के बाद नुकसान है। बुड्ढा साहब हर बारी में बोलते हैं
सामने आता है तो देव की बात करता है, मैं सारा तुम मेरे, तू सारा मारा दुख रहा है, कुछ दे तो सही, कुछ करके तो दिखा दिया है, जो विधानसभा का सत्र आता है तो तुम्हारी लड़ाई नहीं लड़ता है, सब तो चुटकुले सुनाते हैं, फिर उठाई नहीं करता है, तो भाजपा की हाँ फिर हाँ मिलाता है, मिलाता है कि नहीं मिलाता है बताओ। हारी लड़ाई तो नवाज की एक तरफ है, मैं अकेला एक तरफ हूँ लड़ने के लिए। सारा कुछ किया उनको बता देना
जब कोई इस तरह की बात करने के लिए आए तो क्या तुम्हारा तो स्थान ना आना, तुम तो नहीं बढ़ा सकते। बीजेपी बीजेपी का साढ़े 8 साल विराज है ना, इन्होंने कुछ दिया। हम कानून बनाएंगे शहर में, कानून के तहत 75,000 रुपये बन जाएंगे। एक घर में अगर 2 पेंशन के लायक होंगे तो 15,000 रुपये महीने का उसको आएगा, उससे उसका घर दूर चलेगा, नहीं चलेगा बढ़िया। आप पेंशन देंगे वही काला साहब के राज्य में रोजगार नौकरी मिलती ठीक नहीं मिलती, उसके बाद से भी कोई नौकरी मिली तो बता दो, कोई नौकरी नहीं खत्म कर दी। अरे नौकरी खत्म 10 साल की कैद काटी तो ना साहब काटी, दिन भी काटी 10 साल। हम फिर हर घर से पढ़े लिखे नौजवान बच्चे को, चाहे वो लड़का है चाहे लड़की है, जो पढ़ा लिखा है घर में, हम उसको उसकी योग्यता के मुताबिक फिर से नौकरी देंगे, रोजगार देंगे। अगर कोई बेरोजगार रह भी जाएगा उसे मायूस नहीं होने देंगे, उसको 21,000 रुपये बेरोजगारी भत्ता देंगे ताकि वो बच्चा समान के साथ आगे बढ़े। ये माताएं बहने बैठी है, मोदी इनको क्या था तुम्हें वो पता गया था सिलेंडर जो मैं सारे घर पर सुन के कहना गया ख्याल से सबसे घर है सिलेंडर, लेकिन गैस का सिलेंडर वो खत्म आ रहा है पुनिया है 1,250 का आता है, वो भी क्या था मुफ्त में जुमा सब तो साइय जाके मोर नहीं होगी भूल कर दिया उसका तो सिलेंडर मुफ्त में लगा। तुम बहुत बड़ा परिवर्तन कर सकती है, ये मान के चलो महिलाएं अगर ये बात ठान ले कि हमने अपनी बात परिवर्तन करना है तो फिर तुम्हारे से बाहर कोई वोट नहीं दे सकता, क्योंकि सारी घर में इतनी तो हुकूमत है कि तुम जिसको चाहो उससे उसका वोट वाटर वाट है, इतनी सारी इतनी हुकूमत है। तुम अबकी बार परिवर्तन करो, चौधरी देवीलाल की नीतियों की सरकार बनाओ, फिर से चश्मे पे बोर लगा के लोकदल का राज जाओ। राज बनाने के बाद मोदी ने तो गैस का सिलेंडर मुफ्त नहीं दिया, लेकिन हर महीने एक गैस का सिलेंडर आपको हम मुफ्त देंगे, बात करते हो, कोई खेत में गया उससे पूछते हो, कोई बाजार में गया उससे बात करते हो, कोई स्कूल में गया कॉलेज में गया उससे पूछते हो, सारा दिन बात करते ना टेलीफोन। अब तो बोलते साथ फिर लगाते रहे टेलीफोन पर बुलाया बना गया साथ का टाइम हो जाए, बुलाता है नहीं बुलाता है, तो फिर जब टेलीफोन किसी को करो कोई मिले अपने से बड़ा जिसको राम राम करो उसको साथ के साथ को परिवर्तन करो, क्या कहोगे तो उसको कहना शुरू करो परिवर्तन करो। जो कोई अपने आप को ये कहे कि मैं तो सरकार के बहुत नजदीक हूं मेरा राज में बहुत बड़ा हाथ है, वो जब आपको मिले तो उसको 3 बार को परिवर्तन करो परिवर्तन करो परिवर्तन करो। ऐसे व्यक्ति को दिन में 30-30 बार जरूर जब मिले ये बात कहो, जब उसके कान में 50-100 बार ये बात पड़ेगी वो घर जा करके अपनी घरवाली को ये नहीं कहेगा चाय बनाओ या खाना बनाओ, फिर वो भी ये कहेगा परिवर्तन करो परिवर्तन करो परिवर्तन करो, कहेगा नहीं कहेगा तो परिवर्तन आ जाएगा नहीं आ जाएगा। तुम परिवर्तन जाओ, हम सरकार आपके द्वारा कार्यक्रम लगाएंगे, वही गांव का ऐसा विकास करेंगे कि शहर के लोग गांव के विकास को देखने आएंगे, हम गांव के स्कूलों में इस तरह की पढ़ाई की व्यवस्था करेंगे कि शहर वाला गांव के स्कूल में पढ़े, हम गांव के हॉस्पिटल ऐसे बनाएंगे जिनके अंदर ऐसी स्वास्थ्य सेवाएं होंगी कि
शहर वाला भी गांव के अंदर आके हॉस्पिटल में इलाज कराए। हम बच्चों के खेल के अच्छे आधुनिक स्टेडियम बना करके देंगे, नए सिरे से पीने के पानी की व्यवस्था करके देंगे, हर घर में वक्त वक्त का पानी होगा। और उसके साथ साथ जो सबसे बड़ी चीज आपको करके देंगे गांव के लिए, पहले चौधरी देवलाल के वक्त में, सुडाला साहब के वक्त में बिजली 24 घंटे मिलती थी, नहीं मिलती थी, मिलती ठीक नहीं मिलती थी, अब कितनी देर मिलती है, अब बिजली कितनी मिलती है, कट पे कट लगते हैं, ट्यूबवेल 8 घंटे मिलती है, गांव के अंदर जब मर्जी कट लगा देते हैं, कई कई घंटे के कट लगते हैं। हम फिर से 24 घंटे की बिजली की व्यवस्था करके देंगे, कोई कट नहीं लगे। ये जो मीटर लगा रखे हैं ना बाहर तुम्हारे, जो हमारे पे शक करते हैं कि हमको चोरी करते हैं, ये शक खाते लगाए होंगे बाहर मीटर या किसी और काम के लिए लगाए, फिर घर पे लगे मीटर से चोरी करते हैं, हमें जो बेईमान समझते हैं, तुम राज बनाओ तो सारे मित्र पाड़ के जोड़ने ढूंढवा दूंगा, धन्यवाद ढूंढवा दूंगा। यही बात आपसे करने के लिए आया था, आपने यात्रा का स्वागत किया, आपका धन्यवाद। उम्मीद करूंगा कि परिवर्तन में बड़ी भूमिका निभाओगे। अब रुकी से मेरे साथ चढ़ाना तक चलो, ताकि चढ़ाना वालों को भी लगे भी रुक जाओ, चलोगे।